हेलो दोस्तों, सभी को मेरा ढेर सारा नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का एक बार फिर से टीटी एकेडमी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी के साथ शुरुआत करने वाले हैं हम एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार सीरीज, क्वेश्चन आंसर की सीरीज आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो आ रहे हैं बैक टू बैक, उसमें बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक तरीके से एक मैराथन सीरीज आपकी ये शुरू होने वाली है और उस सीरीज का नाम ही होगा आपका मैराथन सीरीज। और इस सीरीज में आपको लगभग मोर देन 43,000 क्वेश्चन के साथ, आपको 43,000 क्वेश्चन, अगर आप इनको पूरी तरीके से कर लेंगे सारे क्वेश्चन को, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम हिस्ट्री के पोर्शन से स्टार्ट करेंगे सारी चीज़ों को। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशेंट हिस्ट्री के पोर्शन से। लगभग मोर देन 43,000 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। लगभग इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो सोचिए कि आपके लिए कितना ही बेहतर साबित होने वाला है। हिस्ट्री में हम लोग स्टोन एज से स्टार्ट करने वाले हैं और स्टोन एज के क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, जिनकी आने की संभावना रहेगी। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड से आपका स्टोन एज स्टार्ट होने वाला है। और पहला क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में, पूछा भी जा चुका है देखिए आपसे, अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स, यानी कि जो पशुपालन स्टार्ट हुआ, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले किस पीरियड में स्टार्ट हुआ। जैसे कि हमें पता है कि स्टोन एज जो आपका पाषाण काल था, वो भी कई बार तीन पार्ट्स में बांटा गया था। किसके कितने पार्ट्स में? पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो आपका पैलियोलिथिक भी तीन पार्ट्स में बांटा गया था, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड आपका लोअर पैलियोलिथिक। तो उसी में से पूछा है कि जो आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स था, वो किस पीरियड में स्टार्ट हुआ था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस पीरियड में स्टार्ट हुआ पशुपालन वगैरह, ये आपका मेसोलिथिक पीरियड में हुआ। नियोलिथिक के पहले मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक के बाद आपका आया था मेसोलिथिक, जिसको आप क्या कहते हो, तीन भाग में बटा हुआ था आपका पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, हिंदी में आप इसको बोलते हो मध्य पाषाण युग में आपका स्टार्ट हुआ था डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल वगैरह, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेसोलिथिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड, किस जगह पे आपका फाउंड हुआ था, ये आपको बताना है। तो सही जवाब है आपका आदमगढ़। वह कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो एग्जाम में भी आपके पूछ सकते हैं किस स्थान पे सबसे पहले एनिमल डोमेस्टिकेशन जो हुआ था पाया गया था, तो वो था आपका आदमगढ़, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, वो है रॉबर्ट्स वूड्स फूट के बारे में क्वेश्चन है। तो पूछा गया था कि जो रॉबर्ट्स वूड फूट थे, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स, इन्हीं को क्रेडिट जाता है जो पैलियोलिथिक टूल्स थे, पैलियोलिथिक जो आपके उस समय टूल्स खोजे गए थे सबसे पूरा पाषाण युग के समय, तो वो क्या थे ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स इंडिया वॉज एंड, कि वो जियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, कि आपका पैलियोबोलो टेनिस थे, या आपके दोनों थे। तो सही जवाब हो जाएगा, आंसर इज डी, ए एंड बी, मतलब एक जियोलॉजिस्ट भी थे और एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, जिन्होंने सबसे पैलियोलिथिक टूल्स जो खोजा था वो क्या था, हैंड एक्स। भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो पैलियोलिथिक टूल्स था क्या, तो ध्यान में रखिएगा वो हैंड एक्स, कुल्हाड़ी जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है, ये है द थ्री एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वॉज क्वाइंड बाई, इसके द्वारा क्वाइंड किया गया, तो हु वॉज दैट। तो द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज थॉम्सन, ठीक है ना। थॉम्सन के द्वारा ये थ्री एज सिस्टम जो डिवाइड किया गया है, कि स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, तो किसके द्वारा किया गया, तो ये थॉम्सन के द्वारा किया गया था, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बोन इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड, यानी हड्डियों से बने हुए इम्प्लीमेंट्स, यानी टूल्स, आपके जो इम्प्लीमेंट्स मिलते थे, औजार वगैरह मिलते थे, बोन के बने हुए थे, किस जगह से पाए गए थे, तो आपको ये बताना है। तो वो जगह का नाम है महादहा,
ठीक है ना, महादहा नामक स्थान से बोन के हड्डियों के औजार वगैरह इम्प्लीमेंट्स वगैरह पाए गए थे। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा महादहा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, बोन ऑर्नामेंट्स यानी हड्डियों के जो आभूषण वगैरह मिले थे कब, इन द मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है ना, बोन ऑर्नामेंट्स यानी हड्डियों के आभूषण जो कि मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाणी जो था आपका उसमें जो मिला था, ये कहाँ पे मिला था, याद रखिएगा उस जगह का भी नाम था आपका महादहा। यहाँ ये देखिएगा बोन्स के इम्प्लीमेंट्स, बोन्स के आपके ऑर्नामेंट्स, ये सब कहाँ पे आपका मिला था, महादहा नामक स्थान पे। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, थ्री ह्यूमन स्केल्टन्स यानी कंकाल स्केल्टन्स इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड, ठीक है ना, थ्री ह्यूमन स्केल्टन मतलब आपका तीन मानव कंकाल जो है एक ही ग्रेव में मिले, एक ही आपके ग्रेव का मतलब एक ही जहाँ पे दफनाया जाता है वहाँ पे, वो कहाँ पे पाया गया, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो पाया गया था, आपके सामने चार ऑप्शन है, ए भी आपका महादहा में ही मिला, ठीक है ना, ए भी आपका कहाँ पे मिला था, महादहा में नहीं, ये महादहा में नहीं, ये दमदमा में मिला था, ध्यान में रखिएगा, सॉरी फॉर दैट, दमदमा, ठीक है ना, दमदमा में मिला था, महादहा में नहीं, दमदमा में तीन कंकाल आपके एक ही ग्रेवयार्ड में मिले थे, ठीक है ना, एक ही ग्रेवयार्ड में मिले थे तीन कंकाल, और ये कहाँ पे मिले थे, दमदमा नामक स्थान, पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस प्री 2016, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड, सबसे पहले अनाज वगैरह का जो खेती वगैरह हुआ, कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ, वो किस एज में हुआ, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में, तो आपका क्या सही जवाब होना चाहिए, नियोलिथिक, ठीक है ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक आपका रिवोल्यूशनरी एज बोलते हैं, ऐसा क्या कारण था कि इसको एक क्रांतिकारी युग बोलते हैं, तो इसमें आपका क्या स्टार्ट हो गया था, आपका कल्टीवेशन वगैरह, डोमेस्टिकेशन वगैरह लार्ज लेवल पे स्टार्ट हो गया था, दैट्स वाई अनाज वगैरह का भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट हो गया था कल्टीवेशन, दैट्स वाई नियोलिथिक एज में ही आपका कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स माना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया फाउंड, सबसे पहले जो मानव का जो एविडेंस है, सबूत है, वो कहाँ पे पाया गया, किस एरिया में पाया गया, नीलगिरी हिल, शिवालिक, नल्लामला एंड नर्मदा हिल्स, तो कहाँ पे पाया गया था, ध्यान में रखिएगा नर्मदा वैली, नर्मदा घाटी के जो एरिया थी, इसी एरिया में सबसे पहले मानव के जो सबूत मिले रहने के, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द मैन पाए गए, वो नर्मदा वैली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट सीरियल, सबसे पहला अनाज जो यूज किया गया मानव द्वारा, भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, देखिए पूछा भी गया है, ठीक है ना, तो सबसे पहला अनाज जो मानव के द्वारा यूज किया गया वो आपका क्या था, वीट, राइस, बार्ले, सोगम, तो आप क्या बताओगे, वो आपका था बार्ले, ठीक है ना, बार्ले वॉज द फर्स्ट सीरियल यूज बाई मैन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, कहाँ से सबसे पहला एग्रीकल्चरल एविडेंस यानी कि आपका खेती बाड़ी करने की जो सबूत हैं, जो आपको एविडेंस मिला, वो कहाँ से मिला इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये फिर से पूछा जाएगा, रिपीट होगा, तो ध्यान में रखिएगा, आपका सही जवाब है लहुरा देवा, ठीक है ना, लहुरा देवा इज द प्लेस जहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिला एग्रीकल्चर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द साइट विच हैज रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सेटल्ड लाइफ, उस साइट का यानी उस जगह का नाम बताना है आपको जहाँ पे सबसे पहला सबूत मिला एक सेटल्ड लाइफ का यानी बसे बसाए लोगों का, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, जैसे धौलावीरा, काइल गुल मोहम्मद, कालीबंगा में, दीज आर द साइट्स, तो सही जवाब इसका हो जाएगा मेहरगढ़, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा मेहरगढ़ इज द राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहाँ से हुआ, आपको पता है
सही जवाब है आपका मेहरगढ़, ठीक है ना। यस एविडेंस आपका जो एग्रीकल्चर का हुआ वो कहाँ था, मेहरगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द एग्रीकल्चर, देखिए यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर भी आप वही बता दोगे, मेहरगढ़ का राइट आंसर। दो दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखिए UPBCS के मेंस में 2007 में भी क्वेश्चन आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नोन एज चाल्कोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज किस पीरियड को कहते हैं, ओल्ड स्टोन, न्यू स्टोन, कॉपर एज या आपका आयरन एज। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज द राइट आंसर, सही जवाब आपका हो जाएगा कॉपर एज, ठीक है ना। कॉपर एज को ही जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, चाल्कोलिथिक, चाल्को प्लस लिथिक, इन्हीं दोनों से मिलके बना है, चाल्को मतलब आपका कॉपर, लिथिक मतलब पत्थर, तो चाल्कोलिथिक यानी कॉपर एज, कॉपर स्टोन एज भी इसको बोलते हैं आपके, इसको जब आप स्प्लिट करोगे, ठीक है ना। कॉपर स्टोन एज इज ऑल्सो नोन एज कॉपर एज या चाल्कोलिथिक एज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम द स्टोन एज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट साइट्स, ठीक है ना। जो कल्चरल रिमेन्स था स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ पे आपका ऑब्टेन हुआ, तो आप क्या बताओगे, उस जगह का नाम था मेहरगढ़, ठीक है ना, उस जगह का क्या नाम था, मेहरगढ़, ठीक। फिर आ गया आपका नवदा तोली, ठीक है ना, नवदा तोली वॉज एक्सकवेटेड बाई, किसके द्वारा वहाँ के मतलब खोज करके खुदाई वगैरह की गई, नवदा तोली जो एक इम्पॉर्टेंट साइट हुआ करती थी, तो ये किसके द्वारा की गई, ये थी आपकी एसटी संगालिया, ध्यान में रखिएगा नवदा तोली किससे एसोसिएटेड है, एसटी संगालिया से, ठीक है ना। क्वेश्चन कभी आए तो आप सही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट, ठीक है ना, इन विच स्टेट द नवदा तोली इज लोकेटेड। चलो कुछ ने पूछा आपसे, पूछा अच्छा भैया बताओ नवदा तोली किस स्टेट में है, तो आप क्या बताओगे, नवदा तोली सर मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, नवदा तोली आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, मेगालिथिक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, ठीक है ना, मेगालिथिक भी एक आपका एज था, मेगा मतलब बड़ा, लिथिक पांडे आपका एज, मेगालिथिक एज जो है ये आपका किस चीज से आइडेंटिफाई किया गया है, तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा आपका, बरियल साइट्स यहाँ पे काफी बेस में मिले थे आपके, मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज बरियल साइट्स, ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा बरियल्स आपके लोगों के यहाँ पे मिले हैं देखने को। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एश माउंट इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट्स एट, कहाँ पे एश माउंट्स आपके मिले हैं, इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट से रिलेटेड, तो सही जवाब हो जाएगा आपका संगना कल्लू, ठीक है ना, संगना कल्लू नामक जो साइट है यहाँ पे आपके एश के माउंट्स मिले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, भीमबेटका के बारे में हम लोग सुने, भीमबेटका किसके लिए फेमस है, तो आप क्या बताओगे, रॉक पेंटिंग, बुद्धिस्ट स्टैचूज, पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं काफी दिनों से, भीमबेटका की पेंटिंग, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, भीमबेटका किसके लिए मशहूर है, अपने पेंटिंग्स का, जो आपको पैलियोलिथिक एज से मिलना शुरू हो जाती है वहां पे सारे सबूत, तो रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर्स हैज बीन फाउंड द मोस्ट, सबसे ज्यादा जो रॉक सेंटर में पिक्चर्स वगैरह सबसे ज्यादा किस चीज में कहाँ पे पाए गए, तो आप क्या बताओगे, भीमबेटका नामक स्थान पे, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ पे जो रॉक शेल्टर्स हुआ करते थे, ढेर सारे पिक्चर्स वगैरह उसमें पाए गए थे उस समय के। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, ठीक है ना, ये भी आपका जवाब क्या हो जाएगा, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सी जगह है, भीमबेटका। फिर उसके बाद, वेयर इज द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड, भाई आपसे पूछ लेगा जगह का नाम क्या है बताइए, तो आप क्या बताओगे, उस जगह का नाम है अब्दुल्लागंज रायसेन, ठीक है ना, अब्दुल्लागंज
रायसिंह, जगह का नाम पूछ ले, भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसिंह, तो आप क्या बताओगे? अब्दुल्लागंज रायसिंह, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द और कलर्ड पोट्री, पोट्री जिसको ओसीपी भी कहा जाता है, वॉज क्रिश्चेंड एट, कहाँ पे हुआ ओसीपी वगैरह, कहाँ पे पाया गया? तो सही जवाब आपका हो जाएगा हस्तिनापुर नामक स्थान, ठीक है ना, हस्तिनापुर, ठीक, ओसीपी कल्चर। अगला क्वेश्चन है, इन द चालकोलिथिक पीरियड के बारे में पूछा है, पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन, अपने घरों की जमीन के नीचे ही उनको क्या करते थे, दफना देते थे, ठीक है ना, ऑफ देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस इन द फॉर्म ऑफ, इन द किस किस दिशा में, मतलब नॉर्थ टू साउथ पोजिशन, ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ, वेस्ट टू ईस्ट, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ टू साउथ पोजिशन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज एल्डेड स्केल्टन ऑफ द डॉग अलोंग विद ह्यूमन स्केल्टन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मतलब वहाँ पे जो लोग दफनाए जाते थे तो उनके साथ उनका डॉग भी रहा जाता था, जिससे पता चलता था कि भाई अपने मालिक के साथ डॉग है तो वफादारी का जो भी प्रतीक रहा हो, ये सभी, तो ये कहाँ पे ऐसे ऐसा एक्सक्लूसिव चीज़ें कहाँ पे मिली है, तो उस जगह का नाम है कश्मीर में है ये बुर्ज होम, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा, बुर्ज होम नामक स्थान पे जहाँ पे मालिक के साथ या ह्यूमन के साथ डॉग को दफना दिया जाता था। फिर अगला क्वेश्चन, द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो आप वही बताओगे, बुर्ज होम, देखिए रिपीट हुआ, उत्तराखंड में पूछा गया, यूपी लोअर सब ऑर्डिनेट परीक्षा में पूछा गया, तो ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट ही होते रहते हैं, आपके एग्जाम में भी कब आ जाए तो आपको इसका ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें, द एविडेंस ऑफ द पिट ड्वेलिंग्स, ये भी पिट ड्वेलिंग्स मतलब जमीन के नीचे लोग घर बना के रहते थे गड्ढा कर करके, तो ये कहाँ पे पाया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी बुर्ज होम की ही खासियत है, ठीक है ना। बुर्ज होम में दो चीज़ें, एक तो लोगों के शव के साथ कुत्ते को दफनाया जाता था, बाकी पिट ड्वेलिंग के भी जो एविडेंस वगैरह मिले हैं ये भी आपके बुर्ज होम में ही मिले, ठीक है ना। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्या, विंध्या के विंध्य पर्वत जो था आपका रॉक शेल्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केल्टन्स हैव बीन फाउंड, किस जगह पे आपके पाए गए हैं ये आपको बताना है, तो सही जवाब है आपका लखैया, ठीक है ना, लखैया नामक स्थान पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केल्टन्स हैव बीन फाउंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री डील्स विद द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करती है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो आप लोग ध्यान दिखिएगा, कल्चर मिनिस्ट्री से, यानी आपके सामने देख रहे हैं तीन है, कल्चर है, टूरिज्म है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन रिसोर्स है, ध्यान में रखिएगा कल्चर मिनिस्ट्री से आती है आपकी कौन सी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड, तो नेशनल ह्यूमन म्यूजियम है वो आपका कहाँ पे स्थित है, तो नेशनल ह्यूमन म्यूजियम आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका भोपाल में स्थित है, ठीक है ना, कहाँ पे स्थित है, ये आपका भोपाल में स्थित है। तो इसे हमने देख लिया कि आपके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्टोन एज से रिलेटेड क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो ये आशा करता हूँ कि इस तरीके की चीज़ आपको पसंद आई होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिए हैं, लगभग हज़ारों क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, अगले टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो होगा हमारा आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, सब पढ़ाई लिखाई सब कर रहे हैं, सबको पता चलेगा, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है ना बच्चों। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए, सारी चीज़ों को रिविज़न करते रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी अच्छे तरीके से तैयार हो सके। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।